वेलकम बैक गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसा अंडररेटेड फ़ोन दिखाने वाला हूँ जो पर्सनली मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा फ़ोन है, प्रोवाइडेड उसमें कुछ कॉन्स हैं। वो कॉन्स क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको आज एक फ़ोन लेना है, सपोज़ आपको 25,000 का फ़ोन लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। दो ऑप्शन इसलिए हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होने लगे। वही चीज़ अगर आप 5 साल पहले आते तो आपके पास ये ऑप्शन ना होता। अब आपको 25,000 का एक फ़ोन लेना है तो 25,000 में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने आपको बहुत सारे फ़ोन दिखा रखे हैं। कुछ फ़ोन हैं जो आने वाले हैं, जैसे कि 25,000 के आसपास आपको मिल जाएगा रेडमी नोट 13 प्रो एंड दी प्रो प्लस। इसका भी आप अनबॉक्सिंग रिव्यू चेक कर लीजिएगा, ये भी बहुत धमाकेदार फ़ोन है। अब ये देखिए, ये कुछ लेटेस्ट फ़ोन थे राइट, जो आपको एकदम लेटेस्ट कटिंग एज देते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है, वो सारे फ़ोन होते हैं जो 1-1.5 साल पहले कंपनी लॉन्च ही होते हैं, लेकिन विद टाइम अब उसमें हैवी डिस्काउंट दे दिया जाता है बिकॉज उसके नए वर्जन आ चुके होते हैं। बट उनके साथ कहना है कि डिज़ाइन पुराना हो गया है, उसमें उतना लेटेस्ट टेक है नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो जो फ़ोन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें देखिए है क्या अच्छा, कि जब भी मैं कोई फ़ोन रिव्यू करता हूँ लॉन्ग टर्म में, लाइक मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसा फ़ोन स्विच करता हूँ जो बहुत डिमांड में होता है, आप लोग कहते हो, फिर हम ट्राई करते हैं, फिर मैं उसको और फ़ोन से कंपेयर करता हूँ, स्पेशली 3 फ़ोन के मैं सेट बनाता हूँ बिकॉज 3 आपको दिखाने में भी अच्छा लगता है, मुझे भी करने में अच्छा लगता है। जब हम सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, फिर हम ऐसे कैजुअली बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये फ़ोन तो वैसे इसमें सारी खूबियाँ तो इसमें भी हैं, तो ये फ़ोन अभी भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको चलिए इस फ़ोन के फ़ीचर बताता हूँ। फ़ोन आपके सामने है, पहले चलिए हम डिस्प्ले से ही स्टार्ट कर लेते हैं। डिज़ाइनेशन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ये फ़ोन वैसे यूजली मिलता है आपको 24,000 का, कार्ड ऑफर हमेशा रहता है 1500 का, 2000 का, तमाम बैंकों का चेंज रहता है, तो आप ये फ़ोन 22,000 में बाय कर सकते हैं। 22,000 के प्राइस रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा कर्व डिस्प्ले का फ़ोन मिल रहा है, जिसमें आपको 144Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है, एकदम टॉप नॉच है। और इस रिफ्रेश रेट का देखिए इम्प्लीमेंटेशन क्या है। वैसे इस प्राइस रेंज में दो ही फ़ोन है जो 144 प्रोवाइड करते हैं, एक हो गया मोटोरोला का फ़ोन और एक हो गया ये फ़ोन। थोड़ा आप समझ जाएंगे, नहीं समझे तो समझ चलते रहिए, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। अदर फोन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर आप उस फ़ोन को ऑटो रिफ्रेश रेट लगाते हैं तो वो फ़ोन 144 पे नहीं चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 90, 60 या मैक्स टू मैक्स 120 चला जाता है, आपको एक्सप्लिसिटली 144 लगाना पड़ेगा। इस फ़ोन ने कमाल किया है कि अगर आपने ऑटो पे 144 लगा दिया तो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन 144 पे रन होते हैं विदाउट फोर्सफुली किए। देखा आपने, रिफ्रेश रेट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, तो फ्लूइड परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलती है। इस फ़ोन में आपको जो सीपीयू मिलता है वो है डायमेंसिटी 8020 है, तो ये मिड रेंज सीपीयू। पहले आपको चलिए बेंचमार्क दिखाता हूँ। इसका बेंचमार्क 7 लाख के ऊपर आता है, दोबारा चलाएंगे हो सकता है 7,30,000 आ जाए, मेरे भी जितना है मैंने आपको दिखा दिया। कुछ मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ, जैसे कि 888 का फ़ोन हो गया या और जो डायमेंसिटी के आसपास सीपीयू आ रहे हैं, या 8 Gen 1 का भी आपको सीपीयू मिल सकता है वो भी आप देख लीजिए। चलो डायमेंसिटी 8100 मैक्स हो वो सब मिल जाता है वो भी आप देख लीजिए। कहने मतलब है अगर आप 30,000 के अंदर का सीपीयू कोई भी उठा लेंगे और इसका सीपीयू का स्कोर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 12 GB के मिनिमम रैम वेरियंट में आता है, अदर कोई ऑप्शन आता भी नहीं है। 9 GB का वर्चुअल रैम है, उसकी एक साइड इफेक्ट है, वो क्या है अभी आगे आपको बताता हूँ, छोटे से कॉन्स लगे। ओके, इस फ़ोन में जो BGMI का एक्सपीरियंस मुझे मिला वो सभी फ़ोन से सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि अभी बोटो हमने रिव्यू किया, ठीक है, वीवो T2 Pro मैंने आपको दिखाया, उनमें क्या था कि जो उसका वैसे है बड़ा कुछ बता जो भी उनमें क्या था गाइस कि जायरो उतना बढ़िया है नहीं, तो जो एक्सपीरियंस होता ना उतना स्मूथ है नहीं प्ले करने, लाइक फटाफट आपको स्टैंड करना है तो वो आपको लगेगा लाइक थोड़ा सा लैग है, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रेंज का लाइक अगर आप नए फ़ोन में देखेंगे तो 22,000 24,000 विदाउट कट ऑफर दोनों लगा लगा के बेस्ट BGMI एक्सपीरियंस मुझे मिलता है इस फ़ोन में, तो सुपर परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था इसके फ्लिपकार्ट पे, वहाँ कुछ लोगों ने हीटिंग लिखा, मेरी नज़र में इसमें कोई हीटिंग नहीं है। एक आध लोगों ने बैटरी का लिखा, मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको 4-5 साल पहले से बता रहा हूँ, इस फ़ोन इस ब्रांड की फ़ोन का बैटरी बैकअप संभव बहुत अच्छा है। एक आध बार मैंने तो 30-40 दिन का स्टैंड बाई निकाला है, बड़ी बात होती है अगर 30 दिन का स्टैंड बाई आपको 4-5 हज़ार के MAH के फ़ोन में मिल जाए, समहाउ बहुत ही क्रेजी है। अब चलिए कैमरे पर जाते हैं। कैमरे में देखिए कमाल क्या है ना, कि आजकल आप सेटअप देखे होंगे कि एक्सेप्ट मोटोरोला कोई भी फ़ोन देखेंगे ना तो मेन कैमरे में ही अच्छा सेंसर दिया गया है, 64, 50 या 108 जो भी, बाकी या तो 8 होगा, 8 नहीं होगा तो लाइक 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर दे जाएगा या आपको 200 MP का मिल जाएगा। कुल मिला के मेन कैमरा यूजबल होता है। इस फोन में देखिए कमाल क्या है कि इसमें आपको 108 MP का मिलता है मेन कैमरा, उसके शॉट्स आपने देखे,
अब दोबारा मैं इस कैमरे पे फिर से आया बिकॉज आपको याद होगा इस फ़ोन का जब मैंने रिव्यू दिखाया था तो मुझे कुछ इसमें इशूज़ लगी थी। फ़ोन को लॉन्च 2 महीना हो गया, बहुत सारे अपडेट आ गए और फ़ोन समहाउ अब और बेटर काम कर रहा है। मेन कैमरा इसका बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत सी आती है। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है और अल्ट्रा वाइड से आप बहुत ही कमाल की शॉट ले सकते हैं। 13 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का एक एडिशनल लेंस दिया गया जो आप शॉर्ट ऑफ थोड़ा डेप्थ सेंसर बांध सकते हैं। तो इस फ़ोन से पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा आता है। ब्लू लाइट में शॉट इसकी रिस्पेक्टेबल है, जो 20-22-24 हज़ार के फ़ोन में मिलती है वैसे ही शॉट में मिल रहे हैं। तो फोटोज़ इससे बड़े ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं, हल्के से ओवर सैचुरेटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिटेल शार्पनेस, चाहे आप थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं विदाउट ऑप्टिकल लेंस भी, क्योंकि 108 MP है तो 4-8 times तक भी आप जाएंगे तो क्वालिटी आपको बहुत ही डिसेंट मिलेगी अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोज़ लेते हैं। ये ओनली फ़ोन आपको मिलेगा न्यू लॉन्च में, आई बिलीव डिस्काउंटेड फ़ोन छोड़ के, जिसमें आप रियर कैमरे से 4K 60 FPS के कमाल के वीडियो बना सकते हैं। OIS दिया गया 4K 60, बहुत ही स्मूथ नहीं बनता है बजट फोन्स में, हल्का सा इसमें OIS का कौन सा है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मूथ वीडियो चाहते हैं तो आप 4K 30 में बना लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पे 13 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है तो आप 4K रेजोल्यूशन के अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं, है ना, ये भी कमाल की बात। अब ये सारी चीज़ें तो गाइस हो गई, अब आपको मैं सबसे सुपर फीचर बताता हूँ। यहाँ पे भी आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अभी मैं आपको इंडोर का वीडियो दिखा रहा हूँ, एकदम जबरदस्त रैपचिक क्लियर वीडियो, बिकॉज ये 4K 60 FPS है ना कमाल की बात। बियर्ड कलर बैकग्राउंड हर चीज़ एकदम प्रॉपरली फोकस्ड है। आउटडोर में कैसा बनता है वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डायनेमिक रेंज, कलर कंट्रास्ट बड़ा ही स्मूथ मिला। पहले ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है और अब इसकी क्वालिटी बहुत ही गाइस अच्छी हो चुकी है। फ्रंट कैमरे से फोटोज़ भी आप बहुत ही कमाल के बना सकते हैं। दैट्स व्हाई गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा बन चुका है इस प्राइस रेंज का। यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है जो कि बहुत से फोन्स में नहीं मिलता है, सिंगल मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको हाईरेस का सपोर्ट भी मिलता है। फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको लग सकता है, लाइक जैसे बूस्ट किया जाए, अगर आप 90% तक सुनते हैं तो वोकल्स बेसिस के बड़े ही क्लियर आते हैं, तो स्पीकर में भी परफेक्टली पास होता है। अब इस फोन में गाइस आपको 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, 68W का चार्जर आपको बॉक्स में दिया जाता है, तो ये एकदम प्रेटी स्टैंडर्ड है। और मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी कहता हूँ, इस फोन का बैकअप बहुत ही अच्छा है। अब ये गाइस वेरी करता है, अगर आप देखिए आप सुपर गेमिंग करते हैं, 144Hz पे फोन चलाते हैं, मैक्स ब्राइटनेस रखते हैं, ऑलवेज 5G पे रहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको बैकअप कम मिलना ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मेरे इस तरह के यूजेज में ये 1 day आसानी से चल जाता है और मिक्स टू मॉडरेट यूजेज में ये आप 2 दिन आसानी से इस फोन को खींच सकते हैं। बाकी चार्जर वार्जर बॉक्स में मिल रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, कॉन्स मुझे एक छोटा सा इसमें ये लगा कि इस फोन में एक मेजर फ्लॉ ये है कि यहाँ पे आपको जस्ट 1 year का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जा रहा है। ये फोन एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको एंड्रॉइड 14 तक इसमें मिलेगा। सेकेंड कॉन्स, इस फोन की जो रॉम है उसकी ऑप्टिमाइजेशन में, लाइक हमने स्पीड टेस्ट किया था पास में, आपने जब अदर फोन से मैंने दिखा रखा था लाइक मोटो और आई बिलीव IQ या कोई फोन था, तो वहाँ पर मैं ये नोटिस किया था कि इवन दो इस फोन में 12+9 या 21 GB के अराउंड टोटल रैम है वर्चुअल मिला के, फिर भी इस फोन के बैकग्राउंड एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो रहे थे, तो ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो क्लियरली ये चीज़ मैंने पहले भी कहा थी, कंपनी इस पोर्शन पे वर्क नहीं कर रही है। अगर कंपनी इस पोर्शन में वर्क करने लगेगी तो शायद फ़ोन के प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज उन चीज़ों में भी आरएनडी लगता है। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बैकग्राउंड एप्लीकेशन किल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या अपडेट्स ज़्यादा मतलब नहीं है, तब तो आपके लिए कोई इशूज़ नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बारे में बात नहीं कर सकता। ये मुझे एक बिग कॉन्स लगी थी इस फ़ोन के साथ में। अब आ जाते हैं इस फ़ोन के अदर फैक्टर्स पर, लाइक सर्विसेज और कुछ ऐसे मेजर फ्लॉज, राइट। आई थिंक हमने आज तक इस ब्रांड के बारे में कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि मेरे इस फ़ोन में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आ गई, ब्लू लाइन आ गई, या बैटरी स्लो हो गई, या फ़ोन एक्सट्रीमली लाइक बेंड टेस्ट में फेल हो गया। आज तक इस ब्रांड के कोई फ़ोन मेरे बेंड टेस्ट में फेल नहीं हुआ। ड्रॉप टेस्ट में ये फ़ोन सुपर क्रेजी निकला, हमने इस फ़ोन को चंद्रयान तक फेंक के दिखा रखा था, चंद्रयान 3 तक आपने देखा था, फिर जाके फ़ोन 80 फीट से गिरा था, तब जाके वो डेड हुआ था। तो ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट में सुपर एक्सट्रीम है। सर्विस का नेटवर्क इसका बड़ा अच्छा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा इस फ़ोन के, मतलब इस ब्रांड के फ़ोन के साथ ज़्यादा ऐसे रिपेयर आता नहीं है, लाइक ईजिली फ़ोन रिपेयर हो जाता है, रिपेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। अब आ जाते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन पे। देखो फ़ोन ऑफकोर्स गाइस काफ़ी स्लिम है, आजकल के ट्रेडिशनल फॉर्म फैक्टर बनाया गया, स्लिम फ़ोन नहीं है बट आजकल फ़ोन जैसे बन रहे हैं वैसे यहाँ पे बनाया गया। बहुत ह्यूज कैमरा बम भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा अच्छा है। अब चलिए आपको एट द लास्ट में फ़ोन दिखाई पड़ जाएगा। ये है इन्फिनिक्स 030,
विंग लेदर में है, आपने इस फ़ोन के बारे में फीचर्स अच्छे देख लिए थे। तो मैंने कहा इस फ़ोन के लॉन्ग टर्म में सारी बातें आपको बता दी कि मुझे इस फ़ोन ने अब क्या क्या अच्छा लग रहा, क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये देखने के बाद ये कि आई थिंक ये बहुत से लोगों के लिए क्रूशियल फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज ब्रांड जो इमेज होती है ना, लाइक ब्रांड नेम बता होता है कि वो बहुत बनता है। इन्फिनिक्स का आई थिंक ब्रांड अभी उतना स्ट्रांग है नहीं कंपेयर टू ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के या मोटरोला के, जो बहुत ही क्लासी लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा करना होता है। आई थिंक वो लोग ब्रांड देखते हैं। वो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, मैंने खुद ये चीज़ फील की, इसलिए मैंने आपको खुद क्लियरली बता दिया कि ब्रांड वैल्यू इस फोन में उतनी स्ट्रांग है नहीं। मे बी कंपनी मार्केटिंग में उतना वर्क नहीं करती कि ऑफलाइन उतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करती है कि जहाँ पे नाम दिखता हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये फ़ोन अंडररेटेड स्मार्टफोन है। तो मैंने कहा इस फोन के बारे में सारी बातें आपको बता दी, इस फोन में क्या क्या परफेक्ट है, क्या क्या कॉन्स है। बाकी आपको लगता है कि आप मेरे बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट से बता सकते हैं। आप फोन यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस फोन में कुछ फ्लॉज हैं जो मैंने नोटिस नहीं की, तो वो भी आपको कमेंट से बताना चाहिए, बहुत से लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। लेट मी नो किस नेक्स्ट फोन को हम ट्राई करें इन द लॉन्ग टर्म व्यू, क्या वो फोन अभी भी वर्थ है कि नहीं है, डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर सो मेनी क्रेजी वीडियो कमिंग सून, एंड यस मेगा ऑप्टस इस फोन का बाकी है कमिंग अप वेरी सून।